आरसीएम के बारे में आप बहुत जानते होंगे, आरसीएम आप कर रहे होंगे, लेकिन आरसीएम की इस विशेष सीरीज में कुछ मैं ऐसे अनसुने किस्से के बारे में आपसे जिक्र करूंगा जिसके बारे में कोई जनरली बात नहीं करता और शायद मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि डे वन से मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा हूं। जब से आरसीएम चालू हुआ तब से लगभग शुरुआती दौर से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो उस समय की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में ये डिसीजन हो चुका था आरसीएम का कि आरसीएम जो है, यानी जो एक कंपनी है कपड़े बनाने वाली, वो अब डायरेक्ट सेलिंग में आएगी। लेकिन बात थी कि ये निर्णय तो हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग करना है और कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आना है, लेकिन शुरुआत कैसे हो और इस कंपनी का नाम कैसे रखा जाए। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब इस कंपनी के नाम को सिलेक्ट करने की बात आ रही थी कि नाम क्या रहे, तो अलग अलग तरह की मीटिंग हो रही थी और लगभग एक दो दिन तक भी ये फाइनल नहीं हो पाया कि इस कंपनी का नाम क्या होने वाला है। दोस्तों फिर हुआ ये कि एक दिन सब लोग, जिसमें टीसी छाबड़ा जी और टीसी छाबड़ा जी के छोटे ब्रदर प्रकाश चंद जी छाबड़ा, पीसी छाबड़ा जी और हम सारी जो सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की टीम जो है अपने जो मार्केटिंग का ऑफिस था वहां पर बैठे हुए थे और बात चल रही थी कि यार कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो प्रकाश जी छाबड़ा यानी प्रकाश चंद जी छाबड़ा ने जब इस कंसेप्ट को, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के बारे में अपनी राय दी, तो उन्होंने कहा यार ये है तो वास्तव में रियल कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला रियल कंसेप्ट। और रियल कंसेप्ट की बात थी तो कंपनी का नाम की बात आई कि क्यों ना इस कंपनी का नाम ही रियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग रख दिया जाए। तो बात आई कि रियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग रख दिया जाए तो ये बात काम नाम थोड़ा लंबा होगा और लोगों को मुंह पर लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, रियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो क्या करें। तो उन्होंने रखा कि भाई अगर क्या करें तो इसको शॉर्ट कर दो, इसका नाम आरसीएम कर दो। तो जब आरसीएम की बात आई कि आरसीएम कर दो, तो रियल कंसेप्ट भी अपने आप में एक सही वर्ड नहीं लग रहा था, तो फाइनली सब लोग इस राय पे हुआ कि ये कंसेप्ट एकदम राइट है तो इसका नाम ही राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केट रखना चाहिए। और दोस्तों कंपनी की शुरुआत हो गई, कंपनी का नाम आरसीएम रख दिया गया यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और कंपनी अगस्त 2000 से ऑपरेशन में आई और इसका लोगो फाइनल हुआ। दोस्तों जब लोगो बनाने की बात आई तो 3 से 4 दिन हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, कोई कभी लोगो सीडी नुमा बनाया गया, कभी आदमी के चढ़ते हुए एक निशान बनाया गया, लेकिन अल्टीमेट मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था और बार बार मैं बोल रहा था राइट कॉन्सेप्ट राइट कॉन्सेप्ट राइट कॉन्सेप्ट, और जब राइट कॉन्सेप्ट कर रहा था तो मेरे हाथ से जो पेन था उसमें राइट का निशान बनता जा रहा था। और हुआ ये कि वो राइट का निशान ही आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस का लोगो बन गया। अभी तो आरसीएम बिजनेस का लोगो जो है चेंज हो चुका है, लेकिन उस समय शुरुआती रूप में 3 निशान वाला लोगो हुआ करता था और कंपनी की शुरुआत हो गई। अब कंपनी की शुरुआत आई तो किस तरह से किट बनाई जाएगी इसके बारे में डिस्कस हुआ। तो क्योंकि कंपनी बेसिकली सूटिंग यानी केवल पेंट पीस का ही कपड़ा बनाती थी और कंपनी को केवल अपना जो अनुभव था वो पेंट पीस का ही था, तो पेंट पीस से ही शुरुआत करनी पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहली जो किट बनी, आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन मैंने शुरुआती उस किट से ज्वाइनिंग किया है। पहली किट थी 2210 रुपए की यानी 2210 रुपीज की, और उसके अंदर 8 पेंट पीस के कपड़े हुआ करते थे जिसमें 4 क्वालिटी के 2-2 पेंट पीस हुआ करते थे और वहां से शुरुआत हुई। अभी तो गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में किट नहीं होती है और ज्वाइनिंग के पैसा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उस समय कोई गाइडलाइन नहीं थी तो पहली किट, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने किट लेकर आती थी ज्वाइनिंग किट, उसी तरह से आरसीएम बिजनेस में भी पहली किट हुई 2210 रुपए की, और 2210 रुपए की किट के साथ मैंने ज्वाइनिंग की और मेरे जो शुरुआती जितने भी साथी है उन्होंने उसी किट के साथ ज्वाइनिंग की। दोस्तों जब किट फाइनल हो गया, जब नाम फाइनल हो गया, तो अब बात आई थी प्लान की कि प्लान कैसे फाइनल किया जाए। दोस्तों हमें और कोई पता नहीं था, कोई भी आदमी हमारी टीम के अंदर कोई इस तरह का नहीं था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सालों का अनुभव हो, सब लोग नए नए थे। तो हमारे पास एक ही तरीका था कि जिस कंपनी का सबसे पहले, एक मल्टीनेशनल कंपनी का जैसे हमने प्लान देखा था, उसी प्लान को हमने कॉपी करना चाहा। और दोस्तों कॉपी करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि उनके प्लान की रॉयल्टी कैसे निकलती है, वहां तक तो हमें पता था, लेकिन
टेक्निकल बोनस कैसे निकलता था उस कंपनी का हमें पता नहीं था और कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो स्लेब बनाई गई कि भाई स्लेब बनाई जाए, कितने परसेंट हमें परफॉर्मेंस बोनस में बांटना है, कितना रॉयल्टी में बांटना है। तो बात थी कि कुछ तो उस कंपनी से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली बार जो प्लान बना उसमें 30% परफॉर्मेंस बोनस था और 6% रॉयल्टी थी और 5% टेक्निकल का प्लान बनाया गया, यानी टोटल जो परसेंटेज थे वो 41% का प्लान बना। मार्केटिंग प्लान बनाने की बात आई तो स्लेब की बात आई तो किस तरह से स्लेब बनाई जाए। तो बात आई थी कि अगर स्लेब भी अगर हम हूबहू बना देंगे तो लोग सोचेंगे कि आपने कॉपी किया है। तो हमने स्लेब बनाना चालू किया, ज्यादा अनुभव नहीं था किसी के पास, स्लेब बनाई पहली 2500 की, 2500 के बाद 5000 की, 5000 के बाद 10000 की और 10000 के बाद 30000 की और 30000 के बाद 70000 की। दोस्तों स्लेब तो बना दी, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन चालू की तो एक आदमी ने हमारे से प्रश्न किया कि साहब ये स्लेब तो आपने बना दी 2.5, 5 और 10 तक तो सही है, उसके बाद आपने 30000 बना दिया। अब मुझे एक आंसर दो कि अगर आपकी दो लेग है और दोनों लेगों में 10-10000 का बिजनेस है, यानी नीचे किस लेग पर लोग पहुंच गए 10000 पर और आपका बिजनेस 20000 हो गया तो आपको कितना कमीशन आएगा? तो जब हमने कमीशन निकाला तो जीरो था, क्योंकि 10-10000 दोनों तरफ था, दोनों तरफ पूरा का पूरा जितना परसेंटेज था वो मिल गया था। अगली स्लेब जो है वो 30000 की थी, तब जाके हमें समझ में आया कि हमेशा जो डिफरेंस कमीशन में जो स्लेब होती है वो डबल से कम होनी चाहिए, यानी दो गुना से कम होनी ही चाहिए। यानी अगर 5000 है, 5000 के 10000 है, 10000 के बाद 20000 है, तो 20000 के बाद 40000 और 40000 से कम होनी चाहिए, 40000 के बाद 80000 या 80000 से कम होनी चाहिए। और फिर जब ये समझ में आया तो जाके मार्केटिंग प्लान डिसाइड हुआ। और दोस्तों आगे मैं बहुत अच्छे से रोचक तथ्य आपके सामने लेकर आऊंगा कि किस तरह से डिलीवरी सिस्टम चालू हुआ, डिलीवरी सिस्टम को लेकर शुरुआत में क्या चैलेंज आए, जब मार्केटिंग प्लान का सॉफ्टवेयर बनाया गया तो किस तरह से टीम को हायर किया गया, और टीम जो जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग देखी नहीं है वो टीम को बड़ा चैलेंज आया कि ये स्लेब की कैसे कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वाले लोग थे और उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया तो किस तरह से उन्होंने हमें समझाया और उन लोगों को कितना टाइम लगा, कितनी तरह की टीमें आई और कंपनी की ऑटोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ जब सही रूप से कंपनी काम करना चालू की। अगले वीडियो में इन सारी बातों का मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज सीखने की नहीं है, ये चीज है हिस्ट्री की।